और बड़ी खबर, बहराइच हिंसा मामले में बड़ा पर्दाफाश। मृतक राम गोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, राम गोपाल के शरीर से 22 छर्रे मिले हैं। मृतक राम गोपाल के पैर पर भी चोट के निशान हैं। आपको बता दें कि राम गोपाल जो कि बहराइच में लोगों के द्वारा घेर कर उसकी हत्या की गई थी, राम गोपाल पर यह आरोप था कि उसने किसी इस्लामिक झंडे को उतार कर वहां भगवा झंडा लगा दिया था। इस बात से नाराज अन्य समुदाय के लोगों ने मिलकर मारा और उसकी हत्या कर दी। अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। बहराइच हिंसा मामले में ये बड़ा खुलासा, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 छर्रे उसके शरीर से पोस्टमार्टम में निकले हैं। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। पीएसी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई। एसटीएफ के अधिकारी भी बहराइच में मौजूद हैं। बहराइच में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। बहराइच की पीड़ित परिवार ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के साथ महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पूरे मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बहराइच हिंसा में लगातार एक्शन जारी है। पुलिस ने आज भी 25 लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक पुलिस 45 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। बहराइच बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का यह कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो गई। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सभी जगहों पर बीजेपी दंगे करवा रही है, प्रदेश में जंगल राज कायम। पूरा आज मार्केट जलाया गया, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, तो ये खुलेआम दंगा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ तो रही है पूरी। अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है सरकार। बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हालात काबू में है, घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में, हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई खड़यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जाँच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को असीम वेदना पहुंची है, वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। बहराइच की घटना पर मायावती ने भी निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती ने पोस्ट किया, बहराइच की घटना चिंताजनक, पुलिस प्रशासन अगर जिम्मेदारी निभाते तो घटना नहीं होती। त्योहार कोई भी और किसी भी मजहब का, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी है। अगर ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन और लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद बहराइच में हुए बवाल के बाद हरदी थाने के सचिव सुरेश कुमार वर्मा और संबंधित पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। सीएम योगी पहले ही निर्देश दे चुके हैं, मामले में दोषी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज 18 के लिए और अंबिकापुर में एक शख्स की हत्या से सनसनी। युवक के सिर पर वार कर की गई हत्या।
शव को 50 मीटर दूर झाड़ियों में छिपाया गया। मृतक युवक की नहीं हुई पहचान। पुलिस ने शक के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौक का यह मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में हत्या का एक मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स के सिर पर वार कर हत्या की गई और उसके सिर पर आई चोट के निशान से हत्या की बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। और डिंडोरी में पंचायत सचिव के घर लोग